तो सतयुग में ध्यान भगवत प्राप्ति की विधि है। त्रेतायुग में त्रेतायाम यजतो मख है। त्रेतायुग में यज्ञ स्वाहा रामचंद्र भगवान के समय यज्ञ, महान यज्ञ सर्वत्र यज्ञ हुआ करते थे। भगवान आदि पुरुष यज्ञ पुरुष को आहुति चढ़ाई जाती। फिर आता है तीसरा द्वापर युग, द्वापारे परिचर्याया, द्वापर युग में भगवान की अर्चना आराधना, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ। जैसे दक्षिण भारत में आप बड़े बड़े मंदिर देखते हो, वे एक युग पहले के हैं, वे त्रेता युग द्वापर युग के हैं। तो उसके उपरांत ये जो कलयुग है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवत प्राप्ति। तो सत्ययुग में भगवत प्राप्ति ध्यान से, जैसे ध्रुव महाराज ने ध्यान से भगवान को प्राप्त किया। भगवत प्राप्ति त्रेता युग में यज्ञ से हुआ करती थी। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति साक्षात्कार अर्चना से होता था। तो कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरिर्नामैव केवलम। ये नहीं कि ध्यान नहीं करना है, ये दूसरे पद्धति से नाम जप नाम कीर्तन करते हुए भगवान का ध्यान करना है। ये नहीं कि यज्ञ नहीं करना है, आहुति नहीं चढ़ानी है, ये हरि नाम की आहुति है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को संकीर्तन या संकीर्तन यज्ञ कह दे, ये संकीर्तन यज्ञ है। ये कीर्तन या जप करना ये ध्यान भी है, ये यज्ञ भी है, और ये आराधना भी है। अर्चना कहिए, आराधना कहिए, यही है ये नाम संकीर्तन। तो संकीर्तन करने से कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात् या परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। संकीर्तन की जय हो, संकीर्तन के हरे कृष्ण महामंत्र के जय हो। तो इस तो ये धर्म है, इस कलयुग का ये धर्म है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी भगवान कहे गीता में, वैसे सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ मैं हूँ। तो संकीर्तन करके हम भगवान का ध्यान यज्ञ आराधना करते हैं, और यही भगवत प्राप्ति का साधन उपाय है। हरिर्नामैव केवलम, दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं, दूसरा उपाय नहीं है। निथाय गौर फेमानंदे हरि 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 बोल।